इस खबर को देखने से पहले झारखंड टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं सुषमा झारखंड टीवी में आपका स्वागत करती हूं। कोरोना से मुक्ति, बोकारो जिला ऑरेंज से ग्रीन जोन में हुआ शामिल। कोरोना वायरस से मुक्त बोकारो जिला अब ऑरेंज जोन से निकलकर ग्रीन जोन में प्रवेश कर गया है। 20 अप्रैल को अंतिम कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की पुष्टि होने के बाद जिले में एक भी कोरोना मरीज नहीं पाए गए हैं। हालांकि इसके आइए सुनते हैं वहां के महिलाओं ने अपनी समस्या रखते हुए क्या कहा। जारी गाइडलाइन के अनुसार ऑरेंज जोन जिले में 21 दिनों तक कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि नहीं होने पर जिला ग्रीन जोन में शामिल हो जाता है। हालांकि मामले पर अब तक सरकार की ओर से घोषणा का इंतजार है। इस बात पर सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने कहा है कि जारी गाइडलाइन के मुताबिक बोकारो जिला ग्रीन जोन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन सरकार की इसकी आधिकारिक घोषणा करनी बाकी है। 10 में से 9 मरीज स्वस्थ होकर चले गए हैं। जिले के गोमिया और चंद्रपुरा इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 तक पहुंच गई थी, जिसमें एक वृद्ध मरीज की मौत कोरोना के संक्रमण के कारण हुई थी, जिसके बाद बीजीएच में लाए गए सभी कोरोना मरीज के इलाज के बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, जिन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई है। फिलहाल बोकारो जनरल अस्पताल में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। 5 अप्रैल को मिला था पहला मरीज। जिला में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज 5 अप्रैल को चंद्रपुरा के तेलों में मिला था, जिसके 2 दिन बाद 8 अप्रैल को ही एक ही परिवार के 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। 10 अप्रैल को पिपराडी गांव में एक कोरोना का मरीज मिला था। फिर गोमिया के साड़ा में एक ही परिवार में 5 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। इसी परिवार में एक सदस्य की मौत कोरोना से हुई थी। अंतिम मरीज के रूप में 20 अप्रैल को मृतक के एक परिजन में कोरोना की पुष्टि हुई थी। झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए झारखंड टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।